आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस 100% नेचुरल डिओड्रेंट की रेसिपी। ये डिओड्रेंट बहुत ही सिंपल, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें और उनमें से आधे से ज़्यादा तो आपको आपकी रसोई में ही मिल जाएंगे। और ये डिओड्रेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कमर्शियल डिओड्रेंट्स मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि उनमें एल्यूमिनियम, पैराबेन, ट्राइक्लोसीन, अल्कोहल, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, इस तरह के बहुत सारे हैवी और टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेटर है कि हम लोग अपना डिओड्रेंट बनाएं। और जब उसको बनाना इतना आसान है तो क्यों नहीं। इस डिओड्रेंट में मैंने यूज़ किया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्किन के लिए सबसे अच्छा ऑयल है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। एरोरूट पाउडर या अरारोट का पाउडर, अरारोट का पाउडर हम लोग अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे डिओड्रेंट को थिकनेस देगा, एक टेक्सचर देगा और सबसे अच्छी बात ये बहुत अच्छे से पसीना अब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण से ये बहुत सारे टेलकम पाउडर में एज अ बेस भी इस्तेमाल होता है। तीसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल है। ये आपके बैक्टीरियाज को कंट्रोल करके आपकी जो बॉडी ऑडर है उसको रिमूव करने में मदद करता है। और आखिर में मैंने लिया है ये इसेंशियल ऑयल। जब भी आप इसेंशियल ऑयल लेने जाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि इसेंशियल ऑयल भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। एक इसेंशियल ऑयल ईडेबल होते हैं, दूसरी टाइप के इसेंशियल ऑयल्स अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं और तीसरे जो डिफ्यूज़र हैं फ्रेगनेंस के लिए हैं वो केमिकल फ्रेगनेंस हो सकती हैं। तो आप प्लीज़ उनको DIYs में यूज़ ना करें। और जब भी आप इसेंशियल ऑयल ख़रीदें तो ये चीज़ ज़रूर उससे पूछिए कि ये ईडेबल है या नहीं। अगर ये ईडेबल है तो ही उन्हें डिओड्रेंट्स या आपके टूथपेस्ट या इस या क्रीम में आप डालिए, वरना मत डालिए प्लीज। अब आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें 2 चम्मच के करीब नारियल का तेल डालिए, 1.5 से 2 चम्मच आप अरारोट का पाउडर डालिए। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का टेक्सचर चाहिए डीओ का, इसमें आप कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो आपकी स्किन टाइप पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप बेकिंग सोडा कम डालिए, अगर आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप बेकिंग सोडा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं 1/2 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें आप कुछ बूंदे इसेंशियल ऑयल की डाल सकते हैं। आपको जिस तरह की फ्रेगनेंस पसंद है आप वो इसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। आपको जितनी स्ट्रॉन्ग या माइल्ड फ्रेगनेंस रखनी है आप उस हिसाब से अपना इसेंशियल ऑयल का काउंट बढ़ा या घटा सकते हैं। DIY प्रोडक्ट्स की यही खासियत है, आपको जैसा प्रोडक्ट पसंद है आप वैसा बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है तो प्लीज़ पहले बेकिंग सोडा कम इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप बेकिंग सोडा की क्वांटिटी बढ़ाते जा सकते हैं। अरारूट का पाउडर या एरोरूट पाउडर जो है आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ऑयली टेक्सचर अच्छा लग रहा है डीओ में तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा थिक टेक्सचर चाहिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ आराम से 6 से 8 महीने तक है, डिपेंड कि आप इसमें पानी मत लगने दीजिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिओड्रेंट कैसा लगा और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार कुछ और पॉल्यूशंस के सल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।